नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां के चर्चित हनी ट्रैप मामले की एक आरोपी श्वेता विजय जैन के आईसीआईसीआई बैंक के लॉकर से एसआईटी को 47 लाख नगद और 37 लाख के जेवर मिले हैं। इससे पहले भी उसके एचडीएफसी बैंक के लॉकर से 13 लाख रुपए की नकदी मिली थी। जानकारी के अनुसार श्वेता विजय जैन को एसआईटी की टीम इंदौर से गुरुवार सुबह करीब 11 बजे भोपाल में प्रभात चौराहा स्थित आईसीआईसीआई बैंक लेकर पहुंची। यहां जब उसकी मौजूदगी में लॉकर खोला गया तो एसआईटी की आंखें फटी की फटी रही। लॉकर नोटों और जेवरों से भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने पहले लॉकर खाली कराया और नकदी और जेवर लेकर बैंक मैनेजर के कैबिन में पहुंचे। इसके बाद नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। नोट गिनने में 47 लाख नगद निकले। इसके बाद जो जेवर मिले उसकी कीमत 37 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नेताओं अफसरों को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल कर करोड़ों वसूले के मामले में 5 महिलाएं श्वेता पति विजय जैन, श्वेता पति स्वप्निल जैन, बरखा सोनी, आरती दयाल, छात्रा मोनिका यादव और एक ड्राइवर ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस और एटीएस के मुताबिक इन महिलाओं ने करीब 20 लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए और इन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनसे करीब 15 करोड़ रुपए की वसूली की है। किसी से 50 लाख तो किसी से 3 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई। इनसे जब्त मोबाइल और 8 सिम की जांच में करीब 90 वीडियो भी मिले हैं। इनमें से 30 वीडियो आईएएस आईपीएस अफसरों और नेताओं के हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।